वो आ रहा है और पूरा का पूरा हवा जो है वो जबरदस्त तरीके से हवा जो है वो फैल रही है। आप अच्छी तरीके से लाइक अभी जो हवा जो है वो हो रही है, बारिश होने शुरू हो गई है, तो बहुत जबरदस्त वाला सिनेरियो हो चुका है। निशांत त्रिवेदी ब्लॉग्स। अभी जो कोरोना का जो कहर है वो धीरे धीरे शांति हो रहा था कि अभी ये साइक्लोन ताऊ ते नाम है वो म्यांमार से आया, इसलिए इसको इस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है ताऊ ते करके। और ये जो साइक्लोन है उसने लक्षद्वीप से लेके जो तबाही मचाना शुरू किया है, लक्षद्वीप से लेके केरला, गोवा, महाराष्ट्र और आखिरी में ये जो है वो गुजरात पे जाके पहुंचेगा। तो ये जो साइक्लोन है वो बहुत ही सीवियर वाला साइक्लोन है। आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से ये साइक्लोन आगे बढ़ रहा है, किस तरीके से केरला, गोवा और महाराष्ट्र में उसने तबाही मचाई हुई है। और अभी हम जो एरिया में रहते हैं, पुणे एरिया में, उसकी अगर बात करूँ तो मैंने थोड़े बहुत जो फुटेजेस है वो रिकॉर्ड किए, थोड़े बहुत टाइम लैप्सेस रिकॉर्ड किए हैं जो दिखाते हैं कि कितना सीवियर ये साइक्लोन है। लेकिन हमें बहुत ही ध्यान रखने की ज़रूरत है, सेफ रहने की ज़रूरत है, स्पेशली हमें घर में रहने की ज़रूरत है। तो अभी आप एक थोड़े फुटेजेस देखो, तो उसके बाद हम मिलते हैं। अभी का अगर मैं सिचुएशन आपको बताऊं तो ये जो साइक्लोन है वो पहुंचा है मुंबई के, मतलब मुंबई मुंबई से थोड़ा दूर है और ये बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है ये वेरावल की ओर। तो वेरावल से अराउंड अराउंड 290 किलोमीटर्स दूर है और ये जो दीव है वहाँ से 230 किलोमीटर्स दूर है। आप जब तक ये वीडियो देखते होगे या तो ये वीडियो जब तक ये मैं पब्लिश करूँगा तब तक आई थिंक वो बहुत आगे पहुँच चुका होगा और वो जाके टच होने वाला है पोरबंदर या तो वेरावल के एरिया में रात को 8 से 9 बजे के बीच में। बस एक ही चीज़ है कि दोस्तों प्लीज़ ध्यान रखिए अपना, सेफ रहिए। अगर आप थोड़े भी मतलब कोस्टल के नज़दीकी एरिया में रहते हो तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। और मैं समझ सकता हूँ कि अभी बहुत ज़्यादा इश्यू है क्योंकि ये एक साइड कोरोना भी है, एक साइड ये भी है, लेकिन बस हमें इससे आगे बढ़ना है, हमें इसको हराने का है। तो लेट्स जस्ट बी टुगेदर एंड लेट्स मेक श्योर कि हम एक सेफ जगह पे रहे, घर में ही रहे, बाहर ना निकले और हम सब लोग अपने लोगों का ध्यान रखें। सभी गुजरात के लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, गवर्नमेंट जो है बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन कर रही है, भले ही वो केरला की गवर्नमेंट हो, गोवा की, महाराष्ट्र की या गुजरात की। जो NDRF की जो टीमें हैं वो भी एकदम सतर्क है, लेकिन कैसा होता है कि बहुत सारे जो नेचुरल कैजुअलिटीज़ जो होती है वो रहती है, तो उसकी वजह से अपने को अपना ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। जो पेड़ है वो गिरते हैं, तो जो गार्डन्स है वो सब जगह पे जाने का भी अवॉइड करो, अभी बाहर जाने का अवॉइड करो। मेक श्योर दैट हम एक सेफ जगह पे रहे। बाकी आप लोग अभी कुछ टाइम लैप्स देखोगे, जो सीरीज ऑफ टाइम लैप्स है दोस्तों जो टाइम के साथ रिकॉर्ड किए हुए हैं, तो प्लीज आखिर तक वीडियो देखना क्योंकि जो मतलब साइक्लोन है उसको हमने रिकॉर्ड किया है पहले से और उसके बाद अभी हम रिलीज कर रहे हैं। तो आप आखिर तक वीडियो को देखो, ये वीडियो शायद शॉर्ट रहेगा लेकिन आप आखिर तक देखो और उसके बाद मुझे बताओ कि आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर टू लॉट्स ऑफ पीपल एंड लेट्स प्रे फॉर एवरीवन टू बी सेफ। तो दोस्तों अभी मैं रात को वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ क्योंकि जो अभी हम सुबह में गाड़ी पे वीडियो बनाने वाले थे और लेकिन अभी आप देखो यार, मतलब क्या पवन जो है वो आ रहा है और पूरा का पूरा हवा जो है वो जबरदस्त तरीके से हवा जो है वो फैल रही है। आप अच्छी तरीके से लाइक अभी जो हवा जो है वो हो रही है, बारिश होने शुरू हो गई है, तो बहुत जबरदस्त वाला सीनारियो हो चुका है। लेकिन आप जस्ट देखो यार, मतलब लाइक यहाँ पे जो हवा है वो बहुत चल रही है, यहाँ पे मेरे जो शू चंपल पानी में सब पानी पानी हो गए यहाँ पे।
और आप देख सकते हो अभी यहाँ पे बारिश जो है वो गिरना शुरू हो चुकी है। आप अच्छी तरीके से देख सकते हो, जो हवा जो है, हवा बहुत ही जोरदार तरीके से घूम रही है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड अभी दोपहर के 12 बजे, लेकिन बिल्कुल भी 12 बजे ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि जिस तरीके का हवा जो है, जिस तरीके से बन रही है और जिस तरीके का मौसम बन रहा है, आप मेरे पीछे अच्छी तरीके से देख सकते हो। आई डोंट नो कैमरा जस्टिस करेगा या नहीं, लेकिन जो हवा जो है वो बहुत ही हो गई है, और बादल भी हो गया तावकाते करके, जो स्टॉर्म है, जो साइक्लोन है, उसका इफेक्ट जो है वो अभी हमें दिखना शुरू हो गया है आज से। देखिए आप ये जो क्लाउड का जो फॉर्मेशन बना है वो आप देख सकते हो, और उसके साथ आप मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके का जो क्लाउड जो है वो किस तरीके से तैयारी में है, और यहाँ पे जो देख सकते हो इसके ऊपर से आपको अंदाज़ा लगेगा कि जो हवा है वो कुछ बहुत ही ज़्यादा है आपको, जो कि आवाज़ में भी फील होगा। साइक्लोन है वो अभी अभी यहाँ तक पहुँचा हुआ है, और वो पहुँचते पहुँचते आगे बढ़ रहा है, और आगे बढ़ते बढ़ते वो जाने वाला है वेरावल। वेरावल पे जाके जो है वो टकराएगा। उसका इफेक्ट जो है वो सूरत में भी होने वाला है, लेकिन उसकी जो आई है वो वेरावल की तरह मूव होती दिखाई दे रही है। ये जो मैप है वो वेव्स का मैप है, जो पानी का जो वेव है वो इस साइड अभी मुंबई को टच कर रहा है, और मुंबई को अभी वेव्स ज़्यादा मिल रही है, वेव्स ज़्यादा आ रही है, और वो आगे बढ़ रहा है गुजरात की ओर। ये रत्नागिरी और पणजी तक ये जो वेव्स है वो भी ज़्यादा हो रही है। सो दोस्तों अभी ये लास्ट भी आप देख रहे हो, और अभी व्लॉग को एंड करने का टाइम आ चुका है। अगेन आई विश दैट सब लोग सेफ रहे, और प्लीज़ अपना अपना ध्यान रखो और घर में रहो, और ये पूरा का पूरा जो वीडियो शूटिंग है वो घर में रह के किया गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर, और लेट्स होप एवरीवन टू बी सेफ। थैंक यू।